हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, जी हाँ, कोई टॉपिक नहीं है। आज संडे है, रविवार का दिन है और राधा कृष्ण जी का दिन है, तो राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश है। अगर जहाँ प्यार की बात आती है, मोहब्बत की बात आती है, तो वहाँ लॉयल्टी, ट्रस्ट, ट्रू लव, राधा कृष्ण जी का नाम पहले लिया जाता है। इसलिए मैं डालने जा रही हूँ दिव्य संदेश। मुझे किसी ने, मैं भूल गई थी, याद कराया किसी ने कमेंट बॉक्स में, उसके लिए थैंक्स। चलिए पहले दो लाइनें कृष्ण जी के नाम पर, इनके प्यार के नाम पर। जी मैं जान दी प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करे ओ कोई। एक बार राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो कहे। चलिए शुरू करते हैं, आपका हुक्म सर आंखों पे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा जी कह रहे हैं, अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो बेसब्री से, काफ़ी टाइम से दुखी हो, परेशान हो, तो वो सब चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हो। वो पर्सन आपकी लाइफ में एक हरा भरा इंसान बन के आपकी लाइफ में खुशियाँ बिखेरने आ रहा है, क्योंकि उसे अपनी गलतियों का पूरी तरह एहसास है। राधे कृष्णा, जी हाँ, जैसे हमने कहा कि वो हरा भरा बन के आ रहा है, वहीं आ गया ये वाला कार्ड। राधे कृष्णा जी कहते हैं, वो पर्सन जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, वो वेल सेटल हो चुका है, उस इंसान के अंदर सारी खूबियाँ हैं। अगर कि लाइफ में आपको कोई रिश्ता आ रहा है या कोई नया प्यार आ रहा है, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए अब बेटर ही होने वाला है। जी हाँ, अगर आप, राधे कृष्णा, अगर आप मैरिज के लिए टेंशन में हो, आपकी मैरिज नहीं हो रही थी, चीज़ें रुकी पड़ी थी, काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे खुशियों का, तो वो खुशियाँ मिलने वाली हैं, क्योंकि राधा कृष्ण जी कहते हैं अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। राधे कृष्णा, जी हाँ, जिस पाप पर्सन से प्यार करते हो, मनमौजी के और फैशनेबल इंसान है, ज़्यादा फिक्र करने वाले इंसान नहीं है, किसी बार आपकी, कई बार इसकी, इनकी ऐसी बात के लिए आप टेंशन में रहते हो, लेकिन ये रोमांटिक पूरे हैं। थोड़ा सा आपको, अगर ये आपकी लाइफ में नए नए आए हैं, तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा, रिश्ते को आपको खुद ही निभाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए सीरियस नहीं है। अपने रिश्ते के लिए तो, आपके लिए तो सीरियस है, सॉरी, अपने रिश्ते के लिए ये पर्सन इतने सीरियस नहीं है। इन्होंने राधा कृष्ण जी पे डोर छोड़ी हुई है। जी हाँ, जहाँ शादी की बात आती है, मैरिज की बात आती है, तो राधे कृष्णा जी कहते हैं, आपकी पोस्ट बोन्स हुई चीज़ें वापस आ गई है, आपके पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं शादी का प्रपोजल लेके। क्या मुझसे शादी करोगे? राधे कृष्णा, गाइस, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में खुशियां बखेरने वाला है। आपका रिलेशनशिप, रिलेटिव में भी हो सकता है,
कोई कॉलेज का फ्रेंड भी हो सकता है, हो सकता है कि आपकी बातचीत शुरू होगी हो और आपका अगर वो अनबन चल रही है तो आप लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है, वो आपको डेट पे ले जाने वाला है जहाँ दीपावली पे लगता है गिफ्ट देने वाला है। राधे कृष्णा। आप अपने किसी प्रश्न पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिन रात दुआएं मांग रहे हो कि पूरी हो जाए पूरी हो जाए, ईश्वर मेरा पर्सन मुझे लौटा दो। तो मैं आपको बता दूं आपकी दुआएं कबूल होने वाली है। राधा कृष्ण जी ने कहा है कि सच्ची प्रार्थना किसी की व्यर्थ नहीं जाती, वो पर्सन आपको मिलेगा, लेकिन ये आपका एक कर्मों का हिस्सा था जिसे आपको हंसते हंसते भोगना ही है। ये वक्त ऐसा है, हंसते हंसते जेल जाइए। राधे कृष्णा। टेन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपकी फैमिली में आपके पर्सन की फैमिली की वजह से हो सकता है आपके रिश्ते को नामंजूर किया जा रहा है, लेकिन अब वो फैमिली वाले मानते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उनको ये अंदर से महसूस हो गया है कि आप उनके पास आके उनके जैसे ही हो जाओगे, आप में कोई कमी नहीं है जिसका उनको डर था। एक फैमिली आपको मिलने वाली है, कहने का मतलब मैरिज के बाद एक नया घर मिलने वाला है, एक नया परिवार मिलने वाला है। द हाई प्रिस्टेस। गाइज, राधे कृष्णा कह रहे हैं अगर किसी रिश्ते के अंदर हो, रिश्ते में सब कुछ नज़र आ रहा है, वो पर्सन हो सकता है आपसे झूठ बोलता हो या बातें छुपाता हो, तो आपको अंदर से पता भी है फिर भी दिल के हाथों मजबूर हो, कुछ ऐसी गलतियां कर चुके हो जो करने जा रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो राधा कृष्ण जी कह रहे हैं अगर मन इतना पवित्र है स्पिरिचुअल हो तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, ना कि दिल के हाथों मजबूर हो के गलत इंसान के साथ आगे तक जाओ। चीज़ें संवरने तक अपने दिल की सुनो और चीज़ें स्टेप टू स्टेप आगे लेके जाओ। राधे कृष्ण। जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हो वो आपकी तरफ आने वाला है, उसने अपना कदम बढ़ाने की अब सोच ली है, अब इस पर्सन को आपको कोई नहीं पीछे हटा सकता। राधे कृष्ण। आपकी लाइफ में रिश्तों का, प्यार के रिश्ते का, आप में से कुछ लोगों के बहुत स्ट्रेस चल रहा है, रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा है, आप हमेशा टेंशन और स्ट्रेस में रहते हो, हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन फेज में हो, तो ये कोई सलूशन नहीं है। कृष्ण राधा जी कहते हैं लाइफ में प्यार किया है तो ये परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आपने झेलनी है, दुखी मत होइए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। राधे कृष्णा। स्ट्रेंथ का कार्ड, हैप्पी एंडिंग, अंत भला सब भला। राधे कृष्णा जी कह रहे हैं अपने अंदर मजबूती लेके आइए, अगर लव किया है प्यार किया है, मरने जीने की कस्में वादे खाए हैं, तो इंसान को इस धरती पे रहना है तो थोड़ा सा पॉजिटिव प्रैक्टिकल और थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ती है, और थोड़ी सी नहीं हिम्मत तो बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में कई बार ब्रेकअप भी होता है, कई बार पर्सन दूर भी जाता है, कई बार मजबूरियों की वजह से भी अलग होना पड़ता है। तो जब हमने इस धरती पे आके ये चीज़ों का फेस करा, हमने फेस करा इस धरती पे आके, तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आसानी से मिल जाए तो इसको प्यार नहीं कहते, ये बाकी रिश्तों की तरह हो जाता है, इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए। तो ये थे राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश। एक कार्ड मैं आपके लिए अपने तरफ से निकालती हूँ। जय माता दी। देखिए ये कार्ड निकला है, अब मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकल बनना चाहिए लाइफ में, और भरोसा रखना चाहिए, और अपने आप को बिजी रखना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव और मैनिफेस्ट, सभी चीज़ों की दुआएं। अगर आपको ये राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और राधे कृष्णा कमेंट बॉक्स में लिखना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी
जो बिल्कुल फ्री है, एक टच ही करना है। बेल आइकन जरूर दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्णा। कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलना। और रानी जी को थैंक्स जिन्होंने मुझे याद कराया, नहीं तो मैं आज प्लीज़ भूल गई थी।